नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स सुबह वाली 8 बजे वाली क्लास में। मैं उन्नति जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज है दोस्तों 21 अगस्त 2024, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की कक्षा में। सभी को जय श्री महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और सभी को सादर जय जैन। कक्षा में अगर आप लोग आ चुके हैं, 8 बजे आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और अब जल्दी से हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। आज हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें आपको बढ़िया तरीके से महा के अनुसार आपको रिवीजन मिलेगा। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए और बेहतरीन तरीके से कक्षा में जुड़ जाइए। मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, आज 21 अगस्त को आपको मैं रिवीजन क्लास दे रही हूं। 21 और 22 अगस्त दोनों ही दिन आपको बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन कराया जाएगा। इसलिए रिवीजन कक्षाओं से बढ़िया अच्छे तरीके से जुड़िए, क्योंकि ये देखा गया है कि रजिस्टर भर चुके हैं लेकिन याद कुछ नहीं हुआ है। तो आज की कक्षा आपको रिवीजन वाली कक्षा मिलने वाली है, जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। अगर आप लोग विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यू कैन ज्वाइन ऑल 3 चैनल्स, जहां पर आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या के लिए पीडीएफ, क्विज और परीक्षाओं संबंधी अपडेट मिलता है। व्हाट्सएप पर भी विनर्स इंस्टीट्यूट को फॉलो कर सकते हो। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि चूंकि सितंबर से आपके परीक्षाएं शुरू हो रही है, एसएससी रेलवेज के एग्जाम शुरू होंगे, तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो आज वही रिवीजन वाली क्लास है, ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न है, टॉप 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन की व्याख्या है। मैं व्याख्या कर चुकी हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे वहां से उत्तर दोगे बढ़िया तरीके से। ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे सजाकर लाया गया है जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। देखना जरा, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड 2024? गुलजार, जगतगुरु रामभद्राचार्य, उपर्युक्त दोनों या फिर none of these, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां वितरित किया जा चुका है, आपसे पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार किसे दिया गया। उत्तर देंगे दोस्तों, और देखना दोस्तों उत्तर में कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। बोलेंगे भाई, जल्दी से उत्तर दें। बिल्कुल, उर्दू के भाषा में यहां पर दिया गया गुलजार को, संस्कृत में स्वामी रामभद्राचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया। उपर्युक्त दोनों इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वॉज द 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड? पेरिस फ्रांस में, दाओस स्विट्जरलैंड में, कजान रूस में या फिर अबूधाबी संयुक्त अरब अमीरात में? विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, आपको पता है सम्मेलन, नियुक्तियां, पुरस्कार, सम्मान, ये सब आते हैं, इसलिए ये रिवीजन क्लास रखी गई है ताकि आपको कुछ ना कुछ रिवीजन हो जाए, चीजें दिमाग में छप जाए, छपने के लिए ही ये रिवीजन क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, बोले बिल्कुल बिल्कुल, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, आपको ध्यान में रख लेना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, कोई समस्या हो तो बता देना, उत्तर बढ़िया तरीके से देते जाना। यह सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 12 जून से 17 जून 2024 के बीच में, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था
ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तथ्य आपको याद रहेंगे तो चीजें अपने आप याद ही हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? ऑन विच रिवर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट? चिनाब पर, महानदी पर, ब्रह्मपुत्र पर या फिर हुगली नदी पर? देखो हुगली नदी पर तो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन बना दी हमने कोलकाता में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहां पर बनाया गया, और उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत रोमांचकारी होगा, थोड़ा सा एडवेंचर भी होगा, लेकिन कनेक्टिविटी बढ़ा देगा। यह चिनाब नदी पर बनने वाला है और बन चुका है, ट्रायल भी हो चुका है, बड़ा ही सुंदर ब्रिज है। तो याद रखना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? Who has become the first woman chief minister of Pakistan Punjab province? सानिया कुरैशी, मरियम नवाज, मेहरुनिशा या फिर शबाना आजमी? शबाना आजमी का संबंध तो भारत से है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो दोस्तों उनका नाम है मरियम नवाज। याद रख सकते हो, स्टैटिक फॉर्म में भी आ सकता है। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शुरू की गई है? इन विच स्टेट इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्ट टनल T50 हैज बीन कमीशन्ड? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर लद्दाख में? उत्तर देना। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50? श्रीनगर से बारामूला जाना हो तो जम्मू कश्मीर में यह ट्रेन पकड़ लेना, श्रीनगर से बारामूला सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर पहुंचने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? विच हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू रीच द मून? स्पेस एक्स, इंटुइटिव मशीन्स, स्काई रूट एयरोस्पेस या फिर अग्निकुल कॉस्मो? उत्तर देना दोस्तों। दुनिया की पहली निजी कंपनी जो चंद्रमा पर पहुंची है, निजी कंपनी, नासा पहुंच चुकी, वो तो देश की राष्ट्रीय कंपनियां हैं, अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, निजी कंपनी के रूप में बिल्कुल अमेरिकी कंपनी इंटुइटिव मशीन यहां पर पहुंची है, याद रखना अमेरिकन कंपनी है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरक्का मेदाराम जथारा कहां आयोजित किया गया? पहले तो इस प्रश्न पर लगा लो चांद के सितारे और फिर उत्तर देना। वेयर इज एशियाज लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरक्का मेदाराम जथारा ऑर्गेनाइज? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर गुजरात? उत्तर देना दोस्तों। सभी साथीगण उत्तर देवे बोले। बोलेंगे भैया तो आसान सा प्रश्न है और इसके बारे में हमने व्याख्या भी की थी, तेलंगाना का है यह पर्व, एशिया का सबसे बड़ा। शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? शशि थरूर हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवलियर डे लॉजियन डी हुनूर अवार्ड ऑफ विच कंट्री? फिजी, फ्रांस, मिश्र या ऑस्ट्रेलिया? बताएं। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। अब आप उत्तर दें, जल्दी से उत्तर देना। लेकिन शशि थरूर को जो सम्मानित किया गया है वो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास धर्मगार्जिन का आयोजन किया गया? जॉइंट एक्सरसाइज धर्मगार्जिन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मालदीव, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया? ये तो बड़ा ही प्यारा सा और न्यारा सा और सबका फेवरेट क्वेश्चन है धर्मगार्जिन। ये तो हर एक छात्र को पता है कि इसके संस्करण भले अलग अलग हो लेकिन हम करेंगे धर्म की गार्जियन तो वो तो जापान के साथ ही। आगे बढ़ते हैं,
फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराध निगरानी सूची से हटा दिया गया है? Which country has been removed from the FATF financial crime monitoring list in Feb 2024? संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, म्यांमार और भारत। दोस्तों याद रखना, आज की जो कक्षा है वो एक रिवीजन कक्षा है जिसमें मैंने फरवरी से लेकर के जून माह तक के पूरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं रिवीजन कक्षा में। बताइए फरवरी 2024 में किस देश को FATF की वित्तीय अपराधी निगरानी सूची से हटा दिया गया है? FATF की वित्तीय अपराधी सूची निगरानी से किस देश को हटाया भैया? बिल्कुल बिल्कुल, संयुक्त अरब अमीरात इज द राइट आंसर। चांद सितारे लगा देना। विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सबसे पहले तो इस पे चांद सितारे लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण, वैश्विक पर्यावरण सुविधा है ना, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, इसको GEF के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? सुरेखा यादव, गीता बत्रा, नीना सिंह या फिर उषा तोमर? चांद सितारे मैंने लगा दिए हैं, परीक्षा में पूछा जाए तो बोलना मत, और मुझे पता है कई लोग भूल चुके हैं उत्तर। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की पहली महिला निदेशक, बोलेंगे बिल्कुल भारतीय अर्थशास्त्री है गीता बत्रा, जिनको इस पद पर नियुक्ति मिली है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? सुदर्शन, होमोसेप, A2M, हेल्थवे या फिर सूर्यांशु? उत्तर देंगे दोस्तों भैया, सेप्टिंग टैंक सफाई करने के लिए भी रोबोट आ गया है। जो काम मशीन से किए जा सकते उसको मशीन से ही किए जाने चाहिए, और जो काम मनुष्य अपने दिमाग से कर सकता है उसे दिमाग से करना चाहिए। सीधी सीधी बात है, मनुष्य आज इतना आगे बढ़ चुका है कि मशीनों का निर्माण कर सकता है, तो कर लो भाई, जिन कामों को मशीन के द्वारा किया जाना चाहिए। तो सेप्टिक टैंक सफाई करने वाला रोबोट है होमोसेप, याद रख लेना अच्छी तरीके से। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of TRAI, that's also called Telecom Regulatory Authority of India? नीना सिंह को, अनीश दयाल को, अनिल कुमार लोहाटी को या फिर अरविंद पनगड़िया? आप सबको पता है अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि TRAI का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये प्रश्न मुझे लगता है बच्चों को रट गया होगा, और नहीं रटा होगा तो मैं आज फिर से लेके आ गई हूँ। अनिल कुमार लोहाटी। किस राज्य में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की? पीएससी का एग्जाम हुआ था बेटा प्रीलिम्स का 23 जून 2024 को, यह प्रश्न जस का तस छपा आया था, और आगे भी तुम्हारे जो भी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, इन प्रश्नों को आना ही आना है। तो मैंने सोचा कि आज 21 तारीख को क्यों ना रिविजन करा दिया जाए। इन विच स्टेट हैज द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, सूरत गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश या फिर हैदराबाद तेलंगाना? दोस्तों उत्तर प्रदेश, सॉरी उज्जैन मध्य प्रदेश के विक्रम टावर में वैदिक घड़ी इंस्टॉल की गई है। आगे बढ़ते हैं, किस विश्वविद्यालय में भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है? इन विच यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया फर्स्ट ह्यूमन डीएनए बैंक इज बीइंग बिल्ड? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय? उत्तर देना दोस्तों, जल्दी देना, मैं पढ़ा चुकी हूं। हाँ मैं मान रही हूं कि बहुत पुराना है, लेकिन बेटा 8 महीने का करंट अफेयर्स तो वैसे ही करेक्ट अपने एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो फिर हम क्यों देरी कर रहे हैं? 8 महीने का करंट अफेयर्स वैसे ही प्रश्न में पूछा जाता है बेटा।
बिल्कुल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के जरिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च द मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र फॉर द इंडियन आर्मी? डीआरडीओ ने, इसरो ने, एचए ऑल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा इंडस्ट्रीज ने? चांद सितारे लगा लो, सर्वत्र क्या है, मोबाइल ब्रिज सिस्टम है फॉर द इंडियन आर्मी। अब ये पूछा जा रहा है कि ये लॉन्च किसके लिए किया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर जरूर दे देना। देखो, जब भी रक्षा से संबंधित बात आए ना, तो हमेशा रक्षा अनुसंधान विकास परिषद पे ही, विकास संगठन पे ही भरोसा जताया करो। क्वेश्चन नंबर 17, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और वाकई में कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है, यह बात मानना। अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर कश्मीर घूम के आना, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, बड़ी ही खूबसूरत जगह है, शब्दों में बयान करना मुश्किल है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, बताइए भाई, Who is the author of the book Kashmir Travels in Paradise on Earth? राकेश पाठक, चेतन मारू, अरुणा आसिफ अली या फिर रोमेश भट्टाचार्य? उत्तर देना दोस्तों। ट्रेवल्स की स्टोरी से जो लिखते रोमेश भट्टाचार्य जी, यही इनकी किताब है रोमेश। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? Who has become the first Chief Justice उत्तराखंड हाई कोर्ट? रेखा शर्मा, जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा काहे की अध्यक्ष, कमेंट डाउन बिलो, है ना, ऋतु बहारी या फिर हेमा कोहली? उत्तर देंगे सभी दोस्तगण। हो, रेखा शर्मा मानव महिला आयोग, जया वर्मा रेलवे, ऋतु बहारी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। फरवरी 2024 में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? Who has made the record to spending the most time in space in Feb 2024? I repeat, मैं आपको रिवीजन पढ़ा रही करा रही हूं, जिसमें मैंने फरवरी, मई, अप्रैल, मई, जून, ये सारे मंथ के क्वेश्चंस को छांटा है और इस क्लास में लिया है, तो व्यवस्थित रूप से देखिए। कल भी मैं रिविजन कराऊंगी, 22 तारीख को भी रिविजन कराऊंगी, तो बढ़िया तरीके से आना। 23 से आपको करंट अफेयर्स का डेली डोज मिलता रहेगा। रायना वर्णवी, क्रिस्टिना कोच, विक्टर ग्लोवर या फिर ओलेगा कोनेंको? कोनेंको, उत्तर देना। बिल्कुल कोनेंको कौन है जो इतने समय तक अंतरिक्ष में ना, वो ओलेग है, ओलेग। यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन, मोहम्मद बिन सलमान, अहमद अवध बिन मुबारक, अब्दुल नजीर या फिर पुष्प कमल दहल? पुष्प कमल दहल तो नहीं है भैया, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। तो यमन के नए प्रधानमंत्री पूछा जाए तो अहमद अवध बिन मुबारक। आई रिपीट, रिविजन में अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां, पुरस्कार, किताबों के राइटर, ये सब पूछे जाते हैं, उसी का पूरा एक सामंजस्य जो है वो आपको इस कक्षा में मिल रहा है। 20 प्रश्न हो चुके, 30 क्वेश्चंस लेफ्ट है, बढ़िया तरीके से रिविजन करते चलिए। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ कामाख्या टेम्पल कॉरिडोर? अयोध्या उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, सूरत गुजरात या फिर गुवाहाटी असम? उत्तर देंगे सभी दोस्त। बोले भाई, जी भाई, माँ कामाख्या मंदिर तो असम में है ना, तो गुवाहाटी असम इज दी राइट आंसर। अंबुबाची त्योहार मनाया जाता, बड़ा अच्छा। अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अल सल्वाडोर? नायब बुकले, सुल्तान इब्राहिम, मोहम्मद बिन सलमान या फिर उस्मान ख्वाजा? ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समाला, उत्तर देना भाई। अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति नायब बुकले कौन बने बेटा? नायब बुकले, याद रखना भैया, अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी 2023 के लिए विश्व तीरंदाजी बैक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? विच इंडियन का आर्चर हैज रिसीव द वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023 बाय वर्ल्ड आर्चरी? दीपिका कुमारी को, अदिति गोपीचंद को, शीतल देव को या फिर ज्योति सुरेखा को? पहले तो चांद सितारे लगाओ फिर आगे की बात करो। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, हमेशा पूछा जाएगा जब तक आप 2024 का परीक्षा नहीं दे देते हो तब तक। फोकस ऑन दी बोर्ड और फटाफट उत्तर दे दो। विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अदिति गोपीचंद जिनका संबंध महाराष्ट्र से है, इन्हें विश्व तीरंदाजी ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। चांद सितारे लगा लो, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बेटा। आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी ने देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का सफल परीक्षण किया है? विच आईआईटी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड द कंट्रीज फर्स्ट हाइपरटेंशन वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी? आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी बॉम्बे? आप लोग सोच रहे होगे कि मैं फोटो ला देते तो मैं फोटो देख के याद कर ले आंसर दे देता, लेकिन मुझे पता था फोटो देख के आंसर यहां दे सकते हो फाइनल में नहीं। और ये जो मैं रिवीजन क्लास लेके आई हूं, मैं इसलिए लेके आई हूं कि रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है? बताओ भाई, हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा का परीक्षण बेटा आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। किस राज्य में 25वां काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट 25th काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड? मुंबई में, लेह में, पणजी में या अपने हैदराबाद में? काला घोड़ा एक्चुअल में कोई वो वैसा नहीं है कि काला घोड़ा जगह का नाम बस काला घोड़ा है, और ये काला घोड़ा जगह कहां पर स्थित है बेटा? ये मुंबई में स्थित है और यहीं पर यह फेस्टिवल मनाया गया। 25 प्रश्न पूर्ण होने पर आपको शुभकामनाएं। अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक करके शेयर कर सकते हो। मैं 26वें प्रश्न पर आ चुकी हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित 120 फीट ऊंचा देश का पहला तांबे के आवरण वाला सबसे बड़ा बापू टावर कहां स्थापित किया गया है? वेयर इज द 120 फीट हाई कंट्रीज फर्स्ट कॉपर टॉलेस्ट बापू टावर डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी इंस्टॉल्ड? पटना बिहार में, सूरत गुजरात में, हिसार हरियाणा में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में? बताओ रे भाई। उत्तर देना भाई। मेरा तो प्रयास यही था कि आपको करंट अफेयर्स का एक भी दिन की छुट्टी ना दूं, इसलिए मैं ये वाला क्लास आपको दे रही हूं, एक सिंगल डे भी छुट्टी नहीं। पटना बिहार, नीतीश कुमार जी ने यह संकल्प लिया बापू टावर का, याद रखना। किस राज्य सरकार ने उंगलाई थेडी उंगलाई ओरल योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड उंगलाई थेडी उंगलाई ओरल स्कीम? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? अब तुम बोलोगे मैम सारे साउथ स्टेट है, हम कैसे पहचाने? पहचानना पड़ेगा बेटा, उंगलाई थेडी उंगलाई ओरल तमिलनाडु की योजना है, याद रख लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप लोग भूल गए।
आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गणित शिक्षक और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस देश से गोल्डन वीजा प्राप्त हो गया है? इसकी मूवी भी आई थी सुपर 30, है ना। आनंद कुमार द फेमस मैथ्स टीचर एंड फाउंडर ऑफ सुपर 30 हैज रिसीव गोल्डन वीजा फ्रॉम विच कंट्री? अमेरिका ने, ईरान ने, ओमान ने या फिर यूएई ने? क्या लगता है दोस्तों तुम्हें, तुम बताओ? ठीक है, अरे यूएई सबको ही दे रहा है, तुमको भी दे दिया गोल्डन वीजा। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्फ पर सो रहे ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 फॉर द फोटो ऑफ अ पोलर बियर स्लीपिंग ऑन आइस? नीमा सरीखानी को, पेरुमल मुरुगन को, अमीश पटेल को, निरंजन शाश्वत सिंह को? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांद सितारे लगाने वाला प्रश्न है, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 पीपल्स चाइल्ड्स अवार्ड, जिसमें एक भालू बड़े अच्छे से स्नो एक बॉक्स पर या फिर स्नो पर सो रहा है, स्नो बैट पर सो रहा है, बड़ी सुंदर क्यूट सी फोटो है। जब मैंने ये पढ़ाया था तब भी आपको वो फोटो दिखाई थी, अगर जो पुराने स्टूडेंट उनको वो क्लिक हो रहा होगा। तो नीमा सरीखानी को यह पुरस्कार मिला ये फोटो खींचने के लिए। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में से सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? वो हैज इनोग्रेटेड द कल्चरल फेस्टिवल अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी इन न्यू दिल्ली फेब 2024। आप लोग सोच रहे हो कि मैम फरवरी का करंट अफेयर्स आएगा क्या? बेटा कोई भी करंट अफेयर्स का एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, 8 महीने तक का तो करंट अफेयर्स आते ही आता है, तो क्यों ना पढ़ लो अभी, है ना, ताकि व्यवस्थित हो जाए चीजें। ठीक है, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह, किसने किया? भैया विविधता का अमृत महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन में लाया गया। फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन फेब 2024? एस जयशंकर, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर द्रौपदी मुर्मू? उत्तर देंगे सभी दोस्त। हिंद महासागर सम्मेलन जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था बेटा, उसमें नरेंद्र मोदी जी तो नहीं जा पाए, राष्ट्रपति जी भी नहीं गए, यहां पर एस जयशंकर यहां पर इस सम्मेलन में भाग लेने के गए थे, क्योंकि तब भी विदेश मंत्री थे और नई सरकार के अनुसार वर्तमान में भी विदेश मंत्री है। किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया? सबसे बड़ा मेला है इसलिए चांद सितारे लगा देना। इन विच स्टेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनोग्रेटेड द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर? चेन्नई तमिलनाडु, हैदराबाद तेलंगाना, फरीदाबाद हरियाणा या फिर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों। बस हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद होने वाला है, पर उसके पहले रिवीजन करके जाओ, बिना रिवीजन के नहीं चलेगा काम। बड़ा आसान सा प्रश्न है बेटा, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला फरीदाबाद हरियाणा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 2024 पेरिस ओलंपिक के मशाल वाहक के रूप में कौन चुने गए? हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बैरियर ऑफ 2024 पेरिस ओलंपिक? साक्षी मलिक, नीरज चोपड़ा, बिनविंद्र या फिर पीवी सिंधु? आप सभी को पता है मैंने संडे की क्लास में पूरा का पूरा ओलंपिक स्पेशल पढ़ाया था, अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो जाकर के पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करें कि मशाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा, जिन्हें ओलंपिक ऑर्डर का सम्मान भी
भी दिया गया और ध्वजवाहक उद्घाटन में पीवी सिंधु और शरद कमल, समापन समारोह में पीआर श्रीजेश और मनु भाकर ध्वजवाहक थे। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? Who has become the 17th king of Malaysia? सुल्तान इब्राहिम, मोहम्मद बिन सलमान, सुल्तान उस्मान ख्वाजा या फिर सुल्तान अल जवीर? उत्तर देंगे दोस्तों। बोले भाई उत्तर देना बेटा, मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम के रूप में चुने गए। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक? 38वीं, 44वीं, 45वीं या फिर 36वीं? उत्तर देंगे सभी दोस्त। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? याद रखना दोस्तों, 38वीं रैंक है, 38वीं। ठीक है, 36वां। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया? Which countries have been named as guest of honor at the World Government Summit 2024? भारत, तुर्की, कतर या फिर उपयुक्त सभी? कमेंट डाउन बिलो, विश्व सरकार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मुझे उत्तर चाहिए सबका, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, उत्तर जरूर देना। और यहाँ पर भारत, तुर्की, कतर तीनों देशों को यहाँ पर अतिथि देश के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस देश में विश्व रक्षा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांद सितारे लगा दो। मुझे पता है कि तुम भूल चुके हो, इसलिए ये फिर से रिवीजन क्लास लगाई है ताकि याद आ जाए। इन विच कंट्री वर्ल्ड डिफेंस एग्जीबिशन 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज? सऊदी अरब, ईरान, इराक या फिर ओमान? उत्तर देना दोस्तों। उत्तर देते चले, जोत से जोत जलाते चले, प्रेम की गंगा बहाते चले। राहु में आए जो दीन दुखी, करुणा का स्रोत उन्हें भी देते चले। ठीक है, तो भैया सऊदी अरब इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन कहां पर किया? बताना अभी वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, बताना जरा। Where has Navy Chief Admiral R. Hari Kumar inaugurated the new defense system approach radar? Andaman Nicobar, New Delhi, Lakshadweep या फिर तमिलनाडु? उत्तर देता दोस्तों सभी दोस्तों। नौसेना की बात है तो कहीं ना कहीं समुद्री क्षेत्र और अंडमान निकोबार में प्रिसीजन अप्रोच रडार। KPP नामवियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the KPP नामवियार अवार्ड 2024? पहले तो चांद सितारे लगा दो। एक मूवी भी आई थी नामवियार, बड़ी प्यारी मूवी थी, आर माधवन ने कैरेक्टर निभाया था इनका, देखना जरूर। ठीक है, एस सोमनाथ, के शिवान, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? तो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है तो यहाँ पर एस सोमनाथ को यह पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम। और बात भी चल रही थी कि क्या पूरे भारत में ओपीएस फिर से आने वाला है या फिर एनपीएस ही रहेगा। इसके लिए मैंने 10 मिनट शो बनाया है, आप लोग उसको देख करके ये समझ सकते हो। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, नॉर्थ स्टेट, टू इम्प्लीमेंट द ओल्ड पेंशन स्कीम? मिजोरम, सिक्किम, असम या फिर मणिपुर? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों। उत्तर देना बेटा। C
सिक्किम इज द राइट आंसर. 10 क्वेश्चन बचे, शानदार जानदार तरीके से डटे रहो, मैं भी डटी हूं. ठीक है, भारत और रवांडा की पहली संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहां हुई? वेयर हैज द फर्स्ट ज्वाइंट डिफेंस कॉर्पोरेशन कमेटी मीटिंग ऑफ इंडिया एंड रवांडा स्टार्टेड? कजान में, कंपाला में, काठमांडू में या फिर किगाली में? उत्तर देंगे मेरे प्रिय दोस्तों, भारत और रवांडा की संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक बैठक किगाली रवांडा में हुई थी. आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नए अध्यक्ष कौन बने? अरे द हैग नीदरलैंड इसका हेडक्वार्टर है. चांद सितारे लगा करके इस प्रश्न पे फोकस कर लीजिए. हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? नवाब सलाम, अजय बंगा, अजय बंगा तो विश्व बैंक है, जूलिया सुबेडिंटे, दलवीर भंडारी. बताओ उत्तर क्या होगा. पता है आपको, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, क्या आपको पता है कि आपको पता है? हाँ जी आपको पता है, नवाब सलाम, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय. आगे बढ़ते हैं, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च अ पेस मिशन टू स्टडी ओशन एंड एटमोस्फियर? रॉसकॉस्मोस, इसरो, नासा या फिर CNSA, चाइना? उत्तर देना दोस्तों. बिल्कुल पेस मिशन, मैंने आपको एक बार और रिवीजन में डाला है, आज के रिवीजन में भी आ गया है, नासा के द्वारा. आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2024 में चेन्नई ATP ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वॉन द मैन सिंगल टाइटल एट द चेन्नई ATP ओपन 2024 इन Feb 2024? अमित, सुमित नागल, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस, साकेत माई नेनी. पहले तो चांद सितारे लगा लो, 2024 का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स है, फर्स्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बढ़ा देगा, और यह खिताब सुमित नागल के द्वारा जीता गया. भारत के किस राज्य में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द साउथ इंडिया कल्चरल सेंटर? ओ भाई, बीन एस्टैब्लिश, कोची केरल, हैदराबाद तेलंगाना, अमरावती आंध्र प्रदेश या फिर बेंगलुरु कर्नाटका? उत्तर देंगे दोस्तों, भारत दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई. आगे बढ़ते हैं, 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना, और यह योजना का व्याख्या इस बार बजट में भी किया गया था, चांद सितारे लगा लो. विच स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ प्रोवाइड 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली, सूर्योदय हर घर बिजली या फिर गरीब आवास? गरीब आवास का बिजली से क्या ही रिश्ता, सूर्य की बिजली लाना है तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. 47वां प्रश्न, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त अमीरात के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? बड़ा ही विशाल मंदिर है. इन Feb 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट हिंदू टेंपल इन विच सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? दुबई, अबू धाबी, तेल अबीब या फिर शारजाह? बिल्कुल 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 अबू धाबी. फरवरी फोकस था आज की क्लास का. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जनवरी 2024 माह के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? बताओ जल्दी से, शामर जोसेफ को, हैमी हंटर को, शुभमन गिल को या फिर ए और बी दोनों को? बताओ भाई, जनवरी माह का है ना, शामर और एमी हंटर, महिला और पुरुष. आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए किस रिपोर्ट पोर्टल का अनावरण किया है? फिर से चांद सितारे लगाने पड़ेंगे, परीक्षा में आ सकता है. विच रिपोर्ट एंड पोर्टल हैज बीन अनवील्ड बाय नीति आयोग फॉर ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ बैरन लैंड? अपार पोर्टल, ग्रो पोर्टल, नीतीश पोर्टल या फिर माया पोर्टल? बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, और याद रखना कि बंजर भूमि को क्या करना है, उगाना है, ग्रो करना है, ग्रो पोर्टल याद रखना. आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न, रिवीजन क्लास थी बेटा आज, है ना, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के नए चेयरमैन प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? महेश दयाल, संजय कुमार जैन, प्रमोद अग्रवाल, राहुल सरस गोत्रा. तो भैया IRCT के जो नए व्यक्ति इस पद पर चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के पद पर आए हैं वो हैं संजय कुमार जैन. आज की कक्षा, रिवीजन वाली कक्षा अब समाप्त होने की कगार पर आ चुकी है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रिवीजन कक्षा फरवरी की जो मैंने आपको रिवीजन कराया है वो समझ में आया होगा. अगर आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना,
बढ़िया तरीके से कुछ भी हो जाए करंट अफेयर्स की क्लास डेली आएगी, है ना, भले ही रिवीजन के रूप में आए पर आएगी, ये बात पक्की है। आपको कभी भी मैं ऐसे ही सोने नहीं दूंगी कि 9 बजे तक सो रहे हो, पढ़ोगे रिवीजन करोगे फिर हम आगे की जर्नी आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।